हेलो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है दिस इज़ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, छोटा सा, कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत मिलेंगी, ठीक है? तो एकदम बढ़िया से देखते रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन कहता है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी यू फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच, देन फाइंड आउट द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट विच बॉल हैव हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो जो बोला ना, पहले स्केच कर लो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे, फिजिक्स में आधी प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाएगी जब आप अच्छे से ना स्केच कर पाओगे प्रॉब्लम को। कि इसे मान लो ये ग्राउंड लेवल था और हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया, है ना, ऐसे, और कितने हाइट तक इसको ये फेंकना था, वो कैपिटल एस था। हमने बॉल कैसे फेंका होगा ना, ऐसे ऐसे, कितने स्पीड से, यू से। तो ये जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पर पलटी मारेगा, पलटी मार के वापस आएगा, ऐसे, सही है ना, ऐसे। देखो एक लाइन मैंने ये ओ से लेके ए दिखाई है और दूसरा ए से नीचे की तरफ आ रहा है ये, है ना। तो बच्चे आप ये समझो, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, तो आप ये समझो ना कि ओ ए एंड ए बी ये दोनों सेम लाइन है बेटा, ये दोनों सेम लाइन है, एक ही लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है। बट वो आने और जाने का जो जर्नी है ना, उसको अलग अलग दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा गैप दिखा दिया। ये जो गैप दिखाया ना, थोड़ा सा गैप दिखा दिया ताकि आपको ये विजुलाइज हो कि ओ से ए में जर्नी कहाँ हो रही है, अपवर्ड, है ना, एंड ए टू बी इट इज़ डाउनवर्ड जर्नी। बात समझ में आया कुछ? ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन क्या कहता हूँ, सब पर हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि इस पूरे जर्नी का मैक्सिमम स्पीड है क्या, तो जरा आप ओ पर चेक करें। ओ से ए में जब जाओगे, ओ से लेके ए तक में, तो जो स्पीड होगा पार्टिकल का, स्पीड वो तो घटेगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो मोशन है दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन, एंड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे लग रहा है। जब भी हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो स्पीड विल डेफिनेटली डिक्रीज, कम होगा, और घटते 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 ए वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है। फिर वो इंक्रीज करना नो डाउट चालू करता है, क्योंकि डाउनवर्ड जर्नी में आपका वेलोसिटी या मोशन का डायरेक्शन और जी का डायरेक्शन दोनों एक ही हैं, इसलिए डाउनवर्ड जर्नी में स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, नो डाउट। बट वो बढ़ते 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 फाइनली भी यहाँ पर कितना पहुँचेगा, यू के इक्वल हो जाएगा इस वाले पॉइंट पर, सही है ना। तो अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम स्पीड है पूरे जर्नी का, मैक्सिमम स्पीड तो वो यू ही है पूरे जर्नी का। ये बात क्लियर अपने को, सही है ना। चलो अब हमसे बोला गया कि किस टाइम पर अपने मैक्सिमम स्पीड का हाफ हो जाएगा और उस टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है, एक बार मैं काम करता हूँ, वापस इसको ड्रॉ करता हूँ, देखना ध्यान से। ये हमने ऐसे फेंका इसको, ये गया होगा ऐसे, पलटी मार के वापस ऐसे आया होगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट ए था। तो मान ले बच्चे कि इस वाले पॉइंट पर इसका स्पीड था यू बाई टू। अब एक चीज़ देखो, जब वो रिटर्न करके आएगा आफ्टर ए, तो अगेन इस पॉइंट पर स्पीड कितना हो जाएगा उसका, यू बाई टू हो जाएगा, है ना। सेम लेवल पर जो स्पीड रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो मैंने काम किया, इस वाले पॉइंट को बोल दिया सी, इस वाले पॉइंट को बोल दिया टी, ठीक है ना। ओके सर, तो हमारे पास ऐसे दो इंस्टेंट होंगे, है ना, देयर विल बी टू इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन स्पीड विल बी यू बाई टू। और जो दो पॉइंट थे वो कौन कौन से थे, एक तो सी था और एक कौन सा था, डी था, ठीक है ना। ओके, अब मान लो कि जो सी वाला पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगा होगा कुछ, मैंने उसको बोल दिया T1, है ना। तो O से लेके सी तक में जो टाइम लग गया मैंने उसको बोल दिया T1, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितना था, तो आप कहोगे इनिशियल स्पीड वॉज U। फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा O से लेके सी में, तो आप कहोगे U बाई टू। आप फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। U कितना है, V कितना है, U बाई टू। ये कितना है, ये सिंपली यू आएगा, यहाँ पे लेगा माइनस, यहाँ पे लेगा T1। अच्छा, माइनस जी क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि जो एक्सेलरेशन है या फिर जो भी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेंगे उनको लेना है नेगेटिव, जो भी वेक्टर अपवर्ड होंगे उन्हें लेना है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओ से लेके सी में
फाइनल वेलोसिटी थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको दिख रही होगी, तो मैंने उसको ले लिया प्लस। क्या ले लिया मैंने उसको, यहाँ पे प्लस ले लिया, ठीक है। देखो ये प्लस हो गया। अगेन ये यू वाला भी वैल्यू ऊपर था प्लस, ए लग रहा था नीचे, तो लिख दिया माइनस जी, और टाइम तो रहेगा ही पॉजिटिव में। तो यहाँ से आप देखोगे तो यह आएगा यू बाई टू माइनस यू इज इक्वल टू जी टी वन माइनस के साथ, यहाँ आएगा माइनस यू बाई टू इज इक्वल टू माइनस जी टी वन, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, तो यहाँ से टी वन निकल के आया सर यू अपॉन टू जी। चलो एक टाइम तुम्हारे पास आ गया। क्या यही आंसर फाइनल? नहीं, अभी हम दूसरी जर्नी लेने वाले हैं ओ से लेके डी तक, मतलब ओ से सी से ए से डी। इस वाले जर्नी में अगर आपसे बोला जाए कि जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो कितना है, तो आपका आंसर होगा सर माइनस यू बाई टू। ऐसे कैसे सर? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बात समझे क्या? लगाओ फर्स्ट इक्वेशन अगेन, वी बराबर यू प्लस ए टी, और इस बार जो टाइम लगा है इस जर्नी में, जो टाइम लगा है ना इस जर्नी में, उसको उस टाइम को हमने बोल दिया टी टू। क्या बोल दिया? टी टू। चलो देखते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है सर? माइनस यू बाई टू। यू कितना है सर? यू है, ए की वैल्यू माइनस जी, और टाइम आएगा टी टू। इधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस थ्री यू बाई टू इजकल टू माइनस जी टी टू, माइनस ने माइनस को निपटा दिया, टी टू आ गया थ्री यू अपॉन टू जी। यस, एक और प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, एक और हमारे पास आंसर। ये दोनों, ये दो इंस्टेंट ऑफ टाइम है एट विच वेलोसिटी, सॉरी स्पीड विल बी यू बाई टू, दोनों पॉइंट। हाँ, वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है सी और डी पर, बट स्पीड दोनों का सेम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट हम लोग निपटाते हैं। अगला पार्ट ये कहता है कि जब उसकी स्पीड आधी होगी, है ना, तो ये जर्नी अपवर्ड जर्नी भी होगी, डाउनवर्ड जर्नी भी होगी, ऐसे है ना, ऐसे। ये दो इंस्टेंट अगेन, ये वाला पॉइंट सी था, है ना, ये वाला पॉइंट सी था, ये वाला पॉइंट डी था, है ना, और ये वाला पॉइंट हमारे पास ए था, ये वाला पॉइंट ओ, ये वाला बी, ये सारे पॉइंट हमने देख लिया। इस पॉइंट पर स्पीड यू बाई टू, इस वाले पॉइंट पर स्पीड यू बाई टू, है ना, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे मैं ओ से लेके सी तक की बात करूँ, चाहे ओ से लेके सी ए से होता हुआ डी बात करूँ, दोनों ही केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो सेम ही आएगा। मैंने उसको बोल दिया एच। क्या बोल दिया? एच, ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट निकालना आता अपने को, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए आप स्ट्रेट लाइन से, तो डायरेक्शन भी मालूम चल जाएगा और जो लेंथ मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे आप प्लस एच, ठीक है, ओके। और यहाँ पे स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे, चाहे मैं ओ से लेकर सी तक की बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है ना, तो ये आएगी सर स्पीड ले लो आप यू बाई टू ले लो, मैं ले लिया यू बाई टू, ठीक है, और प्लस ले रहा हूँ मैं क्योंकि सी वाले पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, टाइम क्या लोगे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप ओ से लेकर सी तक में जाओगे तो टाइम आपको लेना पड़ेगा टी वन, जो कि कितना था यू बाई टू जी। और अगर आप ओ से डी में जाते ना, वही सेम डिस्प्लेसमेंट निकालते, स्पीड निकालते, तो जो डिस्प्लेसमेंट लिखते तो आप लिखते प्लस एच, लेकिन जब वेलोसिटी लिखते तो आप लिखते माइनस यू बाई टू, और जो टाइम लिखते ना वो टी टू आता, और टाइम लिखते आप थ्री यू अपॉन टू जी, ठीक है ना। अच्छा, अब बचा हमारे पास इनिशियल स्पीड यू था दोनों ही केस में, तो अब आप लगा दो थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी कितना है सर? यू बाई टू, तो यू स्क्वायर यू बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह पर रखोगे माइनस जी, और एस की जगह पे क्या रखोगे? एच, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर बाई फोर, ये इधर जाएगा तो बनेगा माइनस यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ठीक है। तो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ये आएगा माइनस थ्री यू स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू में माइनस टू जी एच, माइनस ने माइनस को निपटा दिया, और जो हमारे पास एच आएगा दैट वुड बिकम यू थ्री यू स्क्वायर अपॉन एट जी। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया कि जब मैक्सिमम स्पीड का आधी स्पीड होगी, एट दैट इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्राउंड और एट द लेवल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? थ्री यू स्क्वायर अपॉन एट जी हो जाएगा। आई थिंक ये दोनों आपका जो कंसेप्ट होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चे, एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, वो क्या हो, ध्यान सुनना, है ना।
कि जो हमारे पास वो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में क्या आपने देखा कि हमने दो टाइम पर निकाला, दो टाइम पर सेम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है ना। टी वन आया यू अपॉन टू जी और यहाँ आया था शायद थ्री यू अपॉन टू जी आया था ना। इन दोनों इंस्टेंट पे सेम डिस्प्लेसमेंट था कि नहीं था, सेम डिस्प्लेसमेंट था। अगर आप दोनों टाइम को जोड़ दो तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर u बाई टू जी प्लस थ्री यू अपॉन टू जी, ये हो जाएगा सर फोर यू अपॉन टू जी और ये हो जाएगा सर टू यू अपॉन जी। आपको पता बेटा कि जो टू यू अपॉन जी आया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को u से फेंका बच्चे, तो उसी लेवल पर वापस जब आएगा अंडर ग्रेविटी, तो जो टाइम लगेगा उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2u अपॉन g हो जाता है। तो कभी अगर ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने कि किसी एक इंस्टेंट पर आपको टाइम निकल जाए, तो दूसरे के लिए कैलकुलेट नहीं करना, टाइम ऑफ फ्लाइट में से उसको माइनस कर देने का निकल जाएगा, ठीक है, अगर सेम डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है या सेम लेवल की बात हो रही है। तो आई थिंक ये जो है लेक्चर आपको, ये वीडियो आपको पूरे तरीके से जो भी इसमें बताया गया वो समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको और वीडियो इन्फॉर्मेटिव और ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपका कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, तो आपका न्यूमेरिकल अप्रोच है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।